चसिक रस है ये बछड़ा, काफी दिनों से उसकी पेट के हिस्से में बहुत बड़ा घाव है, अंडर घाव एकदम जा चुका है। तो हमें वो जो एक बिल्ली मोरा के एक सोसाइटी में एक जो हमारे मित्र है उसने हमें जानकारी दी कि यहाँ पे बछड़ा बहुत बुरी तरह से उसके पेट पे घाव है। तो वहाँ हम लोग सुबह में गए, सुबह में वहाँ उसको रेस्क्यू किया, उसको वहाँ पे रख के आए थे फिर। और वहाँ पे हम लोगों ने जो हमारे सीताराम भाई है वहाँ अभी भी मौजूद थे, आ गए जो हमारा काना भाई वो भी है और हमारे मुकेश भाई आए, हम लोगों ने रेस्क्यू चालू कर दिया। तो पीट के अंदर से काफ़ी अंदर मैगेट जा चुके थे, तो हम लोगों ने अच्छी सी दवाई अंदर भरी और मैगेट्स को पूरे बाहर निकाले, निकालने की कोशिश की, लेकिन मैगेट बाहर नहीं आ रहे, देख सकते हैं आप। फिर हम लोगों ने सोचा कि उसमें रुई डाल के मैगेट्स को पूरी तरह अंदर से बाहर खींचे जाए, तो हम लोगों ने वहाँ ट्राई की, लेकिन अंदर जा रहे मैगेट्स बाहर निकलते बछड़े को बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि मैगेट्स तो बाहर निकल रहे थे। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की मैगेट्स बाहर निकलें, लेकिन काफ़ी टाइम लगा। और फिर हम लोगों ने मैगेट्स निकालने के बार बार हम लोगों ने ट्राई की तो भी मैगेट्स बाहर नहीं निकल आ रहे, दवाई रख के जो कॉटन रख के मैगेट क्योंकि अंदर पेट में अंदर पूरे जा चुके थे तो निकलना आसान नहीं है क्योंकि बहुत गहरा अंदर गाँव हो चुका था। लेकिन जो हमारे गौ सेवक मित्र हैं हमारे श्री कृष्ण जीवदया ग्रुप के सदस्य हमारे, बहुत डर हो रहा था क्योंकि मैगेट्स पूरे अंदर जा चुके थे तो लेकिन बाहर निकल रहे थे, इसीलिए वो बछड़े को बहुत तकलीफ हो रहा था। लेकिन हम लोग हार नहीं माने, फिर वो बछड़े को हम लोग फाइनली गाइस पूरे मैगेट्स धीरे धीरे दबा दबा के बाहर पूरे हम लोगों ने निकाल लिया। फिर बाद में वहाँ फिर देखा तो एक दो अंडर थे, उनको भी हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। फिर से दवाई मार दी अंदर, क्योंकि इतनी जो उसको तकलीफ हो चुकी है वैसी दवा भी नहीं मार सकते बछड़े को क्योंकि तकलीफ़ हो जाती है। तो हम लोगों ने सोचा कि हल्की दवा इसको तकलीफ ना हो वैसे ही दवा मार दिया जाए क्योंकि पेट का हिस्सा अंदर दवा, ये हमने लंपी की भी दवा मार दी क्योंकि उसको लंपी की भी असर थी, तो हमने सोचा कि ये मार भी देते तो इनको थोड़ा तकलीफ़ हो जाती है, तकलीफ़ नहीं होती। तो ये पूरा लंपी का हमारे पास जो दवा है उसके नाक के अंदर मारना रहता है स्प्रे, वो भी हमने मार दिया। फिर जो हम लोगों ने सुबह बांधा था बोट, क्योंकि जो पेड़ के अंदर बांधा था बोट हंस के बांधा था, शायद मेरे से भी नहीं छूट सकता ऐसे मैंने वो बांधा था हंस के। फिर वो भी बहुत मुश्किल से छोड़ा, यहाँ स्थानिक नज़दीक पे घर था जो उन लोगों ने हमको रस्सी दी, हम लोग पहले कूदने ले गए थे, फिर लोगों ने रस्सी दी, हमारे श्री कृष्ण जीवदया ग्रुप के मेंबर केयूर पटेल वहाँ आ चुके हैं और चिराग भाई के साथ, वो लोग भी पहले से आए थे लेकिन उन लोगों को लोकेशन नहीं मिला था इसलिए वो लोग भी आ चुके हैं। अब अच्छी तरह से वहाँ से हम लोगों ने जो रस्सी फंसाई थी वो भी निकाली केयूर भाई ने, और नन्हे बछड़े को हम लोग रिमूव कर घर दे रहे, अच्छे से ट्रीटमेंट हो गई क्योंकि काफ़ी दिनों से इसका कॉल आ रहा था हमारे पास, तो आज फाइनली गाइस हम लोगों ने उसकी ट्रीटमेंट कर दी और बछड़ा अच्छे से आराम से खड़ा हो गया क्योंकि पेट में से ज़्यादा मैगेट्स हम लोगों ने निकाल लिए। अभी काफ़ी तरह से एकदम ठीक है बछड़ा, तो इंसान के अच्छे हो गया ये सब। गौ माता हम लोगों ने, जय माता जी, जय श्री कृष्ण।